साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारा आज का नहीं, एक शिक्षक जो है सड़क पर बैठता है कोई पहली बार में नहीं बैठता। सोचो कितना मजबूर हुआ होगा जो शिक्षक होके अपने बच्चों को पढ़ाई का नुकसान करके आज सड़क पर बैठा है। सरकार ने उस कोर्ट के ऑर्डर की भी अवहेलना करके हमें रातों रात 13 जुलाई को 2023 को रातों रात ट्रांसफर किया। मैं एक डाइवोर्सी हूँ, मेरे को मेरे पति की तरफ से 0 पैसा मिल रहा है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मेरे पास अब छत नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ सड़क के अलावा, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। दिल्ली सरकार के एक बड़े दावे की फिलहाल यहाँ पर पोल खुल रही है, क्योंकि साफ तौर पर केजरीवाल सरकार का ये दावा है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा ऊंचा मुकाम हासिल किया है और देशवासियों को अलग सरकारों को सीखने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल दिल्ली का एक शिक्षा विभाग भविष्य जो है वो सड़कों पर है। क्या कर रहे हैं यहाँ के शिक्षक, आपको वो तस्वीरों के मैं जरिए दिखा दूं कि ये कल सुबह से दिल्ली की सर्द हवाओं के बीच में केजरीवाल के निवास स्थान से थोड़ी दूर पर धरना देकर बैठे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से इनकी मांग और एक साफ तौर पर एक बेसिक सैलरी इनको नहीं मिली है। दिल्ली सरकार शर्म करो, शिक्षकों को सम्मान दो, सम्मान के साथ साथ आप सैलरी के लिए काम करते हैं। शिक्षकों से सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। आप लोग यहाँ कल सुबह से बैठे हैं, कितनी बार आप लोगों ने कोशिश की केजरीवाल तक अपनी आवाज पहुंचाने की? मेरा नाम रेणु राव है और मैं समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में काम करती हूँ, दिल्ली के सरकारी स्कूल, और हम पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारा आज का नहीं, एक शिक्षक जो है सड़क पर बैठता है कोई पहली बार में नहीं बैठता। सोचो कितना मजबूर हुआ होगा जो शिक्षक होके अपने बच्चों को पढ़ाई का नुकसान करके आज सड़क पर बैठा है। हम 4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये मनमानी जो अरविंद केजरीवाल जी की हमारे मुख्यमंत्री की है, ये चलती आ रही है। ये सोच रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करे, कोर्ट के जो ऑर्डर है उनकी भी अवहेलना करते हैं। वो जो 19 अगस्त को कोर्ट का ऑर्डर है कि टीजीटी टीचर्स जो है प्राइमरी स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑर्डर निकाल देते हैं रातों रात कि जो टीजीटी टीचर्स है वो एमसीडी में डेप्यूट हो जाएंगे। दूसरा, इन्होंने जिस टर्म्स पे जिन एसएससी टीचर्स को अपॉइंट किया था उन्हें रातों रात एक ऑर्डर निकाल के गेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, जबकि टर्म्स दोनों ही टीचर्स की अलग अलग होती है। और ये संघर्ष अब ऐसे ही जारी रहेगा। अगर हमने इतनी हिम्मत दिखाई है, अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे न्याय के खिलाफ लड़ना? साफ तौर पर है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स भी बकायदा इन्होंने हाथ में लिए हुए हैं। ये वो रिक्वेस्ट लेटर्स हैं जो दिल्ली सीएम तक भी पहुंचे हैं। ये कितनी बार आप लोगों ने प्रयास किया है? मैम, ये हम पिछले 4 सालों से जो अलग अलग टाइम पे महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में जाकर देते आए हैं ऑफिसों में, हमारे को सैलरी भी नहीं दी जाती है, फिर भी हमने, आप सोचिए, एक शिक्षक जिसको पिछले 2 साल से सैलरी नहीं मिली है वो इनकी फोटोकॉपी कराता है, इनको प्रिंट कराता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रोड पर बैठने से पहले हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी है कि हमारी बातें सुनिए, क्यों हमारे साथ गलती हो रही है, उस गलती का क्या कारण है, उस कारण का निवारण करने की सोचिए। लेकिन सरकार ये कहती है कि अधिकारी गलत है, अधिकारी ये कहता है कि सरकार गलत है, तो क्यों नहीं बैठा के एक बार हमारे साथ बातचीत की जाए कि किसकी वजह से गलती हुई है। एक टीचर यहाँ आने से पहले बहुत बारी सोचता है, महिलाएं जो पूरे रात भर यहाँ रुकी रही है अपने घर परिवार को छोड़ के, जहाँ दिल्ली की शिक्षा मंत्री खुद एक महिला है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, हजार हजार रुपए दिल्ली में बांटने की बातें करी जा रही है, और ऐसी महिलाएं हैं जिनको घर चलाने के लिए सैलरी चाहिए, जिनके हस्बैंड भी नहीं है, जिनकी फैमिली में कोई और अर्निंग पर्सन नहीं है, वो कहाँ से अपने बच्चों की फीस भरे, 2 साल से सैलरी नहीं मिली है, तो कहाँ है महिला सशक्तिकरण? बिल्कुल, तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट लेटर हम आपको साफ तौर पर दिखाते हैं, जिसमें बकायदा देखिए लिखा गया है कि इक्वल वर्क सैलरी, नॉट अ सिंगल रूपी इंक्रीमेंट सैलरी ऑफ एसएससी टीचर सिंस 2017, 2017 से ये दिक्कत है। और साफ तौर पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर बैठे हैं ये, इनसे भी हम बात करेंगे, पुरुष हैं, महिलाएं हैं। आपसे बात करूंगी मैं, क्या मुद्दा है, आपको कितने समय से सैलरी नहीं मिली है? मैम, लगातार 2 साल से सैलरी नहीं मिल रही है। उसके अलावा इन्होंने जो हमारा रिक्वायरमेंट किया था वो डीओई, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के स्कूल है, उनमें किया था, तो बकायदा उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हुआ था, तो रूल तो ये था कि उस डिस्ट्रिक्ट से हमें बाहर नहीं भेजा सकता, लेकिन इन्होंने जो कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बकायदा, कि जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी है वो एक पीआरटी जो प्राइमरी लेवल के स्कूल है उनके बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लेकिन इस सरकार ने उस कोर्ट के ऑर्डर की भी अवहेलना करके हमें रातों रात 13 जुलाई
को 2023 को रातों रात ट्रांसफर किया, ना हमसे हमारी विलिंगनेस पूछी गई भाई आप करना चाहते हो काम या नहीं करना चाहते, और डायरेक्ट हमें स्कूल अलॉट किए, वो भी इतनी काफी दूर है कि डेली का एक दो घंटे का सफर हमें मेट्रो या बकायदा हमारे जो कुछ भी व्हीकल वगैरह है उनसे करने पड़ रहे हैं। तो अब मैं आपसे जानूं अगर कि आप लोग देर रात से बैठे हैं, परिवार छोड़कर बैठे हैं यहाँ पे, कब तक रुके रहने का इरादा है? जब तक दिल्ली सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम ऐसे ही रहेंगे और यहीं रुके रहेंगे, भले कुछ दिन महीने लगे। हाँ जी, तो ये वो हैं जो कि देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। और अब हम आगे बढ़े, मैम आपसे जानूंगी मैं, आप लोग एक सीमित संख्या में यहाँ पर बैठे हैं, जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक चलता रहेगा, क्या स्पेसिफिक मांगे हैं अगर आप बता पाए? देखिए, हमारी मांगे नहीं है, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, मांगा वो जाता है जो हमारा नहीं है, ये हमारा अधिकार है। मेरी स्थिति अगर मैं आपको बताऊं, मैं एक डाइवोर्सी हूं, मेरे को मेरे पति की तरफ से जीरो पैसा मिल रहा है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मेरे पास अब छत नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ सड़क के अलावा, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ कि सबसे पहली तो चीज़ है कि सैलरी टाइम पर पूरी दी जाए। दूसरी बात जो बात की गई है कि जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, हमें उस डिपार्टमेंट में फेंक दिया है रातों रात, व्हाट्सएप पे ऑर्डर निकाल कर रातों रात हमें पता चलता है कि हमारे स्कूल अब से यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर है, और ऐसे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे किसी स्त्री के लिए पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, 4 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है, बच्चों को कब तैयार करके भेजें और कैसे हम घर से निकले, जबकि पहले हमारे स्कूल हमारे एरिया में थे जहाँ हम इजीली पहुँच सकते हैं, सैलरी इतनी कम है कि अगर हम वहाँ से वहाँ पहुँचने का खर्चा निकालें तो कैसे निकालें। ये एक मुद्दा है कि आप देख सकते हैं जिनका पूरा परिवार उन्हीं के ऊपर आधारित और आसारित होता है। अब मैं एक बार आप लोगों से ये भी जानना चाहूंगी कि कई लोगों के अलग अलग बेसिक नीड्स होते हैं, फैमिली एक ही पर रिलाय कर रही है, घर का किराया भरना होता है, तो किस तरीके से आप लोगों का जीवन यापन चल रहा है? किराए हम मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो दिल्ली में रह रहे हैं वो किराए पर ही रह रहे हैं, मकान मालिक रोज कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं, बड़ी शर्मिंदगी होती है एक अध्यापक होते हुए उनकी सब कुछ सुनना, स्कूलों में भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उसके बाद भी सैलरी नहीं मिल रही है, हम फ्री में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपना वेतन, वो हमारा हक है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं कोई दिल्ली सरकार से, जब उनकी अगर उनके पास पैसे नहीं होते वो अपने बच्चों को कैसे, हम अपने बच्चों को कहाँ पर लेकर जाए, कैसे उनका एडमिशन कराए, कैसे उन्हें ख्वाहिशें उनकी पूरी करे, जबकि घर के जो जरूरतमंद चीजें हैं वो तक नहीं ला पा रहे हैं, हमारे पास वो किराया भी नहीं है कि स्कूल में पहुंच जाए हम। साफ तौर पर ये एक आमरण अनशन की तस्वीर यहाँ से शुरू होती है, देखना ये होगा कि केजरीवाल जिन्होंने हर घर तक बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने का वादा किया है, दावे किए हैं, वो 2 साल से इन शिक्षकों की सैलरी को कब तक और रोकेंगे, और आखिर इनको पुलिस की बैरिगेटिंग से आगे जाकर इनके हक की न्याय कब मिलेंगे। अंकित के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से।